आज उस वक्त पठानकोट में हंगामा मच गया जब पठानकोट के शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब प्रधान योगराज शर्मा के घर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ने ही उन पर अपनी बंदूक से गोलियां दाग दी और लगातार उनके ऊपर 6 फायर कर दिए। अपनी ही सुरक्षा में तैनात जवान की ओर से की गई गोलीबारी में योगराज शर्मा बाल बाल बच गए। इंडिया अब तक को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमले के वक्त इस जवान ने शराब पी रखी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी एसएसपी पठानकोट को दी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना के एक घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। शराबी हैगा, मैं आज थोड़ा जा आगे पुजा तो इस बंदे ने फायर शुरू करते। पठानकोट की कार्यशाली देख लो, एक घंटे मगरों एसएसपी साहब फोन मार दो, एक घंटे मगरों बंदे आए थे। मैं सवेरे सारी अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहा टोटल, मेरा कोई भी नुकसान होगा तो जिम्मेवार एसएसपी पठानकोट। उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि मुझे ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए जिसके जवान मुझे गोलियां मारे। उन्होंने धमकी स्वरूप कहा कि मैं प्रशासन को उनकी ओर से दी गई सुरक्षा वापस करता हूं। अगर इस दौरान मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एसएसपी पठानकोट की होगी। गोलियां चलने की आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई थी। लोगों ने भी यहां से गार्ड हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह गोलियां चली थी उसमें किसी की भी जान जा सकती थी। योगराज फायर बंदा मर जाता की करते उसे आगे अभी योगराज कहने मेहरबानी करके हाथ जोड़ने गार्ड चुक छोड़ो तो सारी जान बख्शो। अभी हमले की सूचना मिलते ही एसपी जसपाल अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने हमला करने वाले सुरक्षा कर्मी को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल का मुआयना किया। एसपी जसपाल ने बताया कि दोषी पुलिस कर्मी ने ड्यूटी के दौरान शराब पी रखी थी और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अवश्य की जाएगी। घटना की सानू सूचना मिलन ते मैं डीएसपी हेडक्वार्टर डीएसपी सिटी असी मौके ते पहुंचे आ। मुलाजम नूं असी जिहड़ा इहदा मुलाजा कराता आ ते जो भी इहदे खिलाफ कानूनी कार्रवाई जां डिपार्टमेंटल एक्शन लेना आ। पठानकोट से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, इंडिया अब तक के लिए।